Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn grammar. Lesson number 27. Punctuation. I like to cook, paint and fly. You cook paint and you put flies in it. Oh, that must taste horrible. Oops, I forgot to put a comma there. I like to cook, paint and fly. Notice how punctuation changes the meaning of sentence. आपने notice किया, मैंने read किया वो. देखो, मैं दो sentence read करते, आप देखो. I like to cook, paint and fly. I like to cook, paint and fly. जो पहले वाला sentence read किया, उसमें punctuation आया नहीं. फिर जो मैंने सेकेंड सेंटेंस रीड किया उसमें पंचुएशन है, मीन्स वो दोनों का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है. वैसे ही पंचुएशन हर सेंटेंस में लगाना बहुत ही ज़रूरी है. नंबर वन, कोमा. वी यूज अ कोमा टू स्प्रेड वर्ड्स टू फ्रेसेस इन अ सीरीज. हम वर्ड को स्प्रेड करने के लिए कोमा का यूज करते हैं. Read the sentences. We study mathematics, science and English. Sana bought some onions, mushrooms, potatoes and green peppers from the market. Sit down, close your eyes, take a deep breath, hold it for some time and release it. Samajh mein aaya? मैंने कैसा रीड किया. अगर कोमा होगा तो हम ऐसे सेंटेंस का मीनिंग समझा सकते हैं, कोमा नहीं होगा तो उसका मीनिंग कुछ अलग ही हो जाएगा. एड कोमा टू स्प्रेड वर्ड्स और फ्रेसेस इन ईच सीरीज इन द सेंटेंसेस बिलो. यहाँ पे सेंटेंस दिए, उसमें जो हमको कोमा लगाने हैं. कुकू लिप्स द लीड बुक इन द जम्प्स इन टू द ट्रांस कैन. He find pastries, pastries है उसके बाजू में कोमा, बिस्किट के बाजू में कोमा, बनानास और कैन ऑफ जूस एंड फ्राइड फिश. मीन्स सुनो, अभी मैं रीड करती हूँ. ही फाइंड पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, बनानास, कैंस ऑफ जूस एंड फ्राइड फिश. ही ऑल्सो फाइंड एन एप्पल एंड ओल्ड क्वेश्चन एंड ओल्ड मैगजीन. आगे का जो पैराग्राफ है वो आपको रीड करके उसमें कोमा लगाना है. अंडरस्टूड? टू, वी ऑल्सो यूज कोमास टू स्प्रेड द नेम ऑफ द पर्सन वी एड्रेस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, निशा प्लीज पास मी द सॉल्ट. आई विल बी देयर इन अ मिनट. मॉम After yes or no. For example, yes, I have read the book. No, I did not like it a lot. समझ में आया? जो कोमा है वो पर्सन को एड्रेस करने के लिए भी हो सकता है और यस और नो के पीछे भी हो सकता है. फिर है फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क. वी यूज फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉप टू एंड अ सेंटेंस. एग्जाम्पल, जया मेक्स ब्यूटिफुल क्ले टॉय एंड पोट्स. पोट्स पे सेंटेंस खत्म हुआ तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. वी यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द ऑफ अ क्वेश्चन. एग्जाम्पल, डज जया मेक ब्यूटिफुल क्ले टॉयज एंड पोट्स. तो ये मैंने क्वेश्चन किया तो उसमें आएगा क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टूड? B. Use the right punctuation mark, full stop or question mark in the blank. Alice, who are you? To aayega question mark. Tweed lady. I am Tweed lady and this is my brother. Alice, what is your brother's name? Tweed lady. His name is Tweed Ladder. देखो, आप क्वेश्चन मार्क और वो देख सकते हो, ऐसे आएगा. अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क और सेंटेंस है तो फुल स्टॉप. बहुत ही ईजी है.
capital letter. We use capital letter when we begin a sentence. सेंटेंस के शुरुआत में, स्टार्टिंग में. यूज अ प्रोनाउन आई. आई का प्रोनाउंस करना है तो हम कैपिटल लेटर मीन्स आई को कैपिटल बना देंगे. यूज प्रॉपर नाउंस. नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, बुक, स्पेशल इवेंट्स, मंथ एंड कंट्रीज. अगर किसी का नाम होगा, किसी पीपल का स्पेसिफिक नाम दिया होगा, प्लेसेस के नाम दिए होंगे, बुक्स के नाम दिए होंगे, स्पेशल इवेंट के नाम दिए होंगे, मंथ और कंट्रीज के नाम दिए होंगे, तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. आई एम रीडिंग चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री. आई लाइक विली वोंकास फैक्ट्री. द बुक वॉज रिटन बाय रोलांड दाल. Write the following sentence by putting capital letters at the correct place. ये capital letter वाला आपको पहले से ही याद आई है, मैंने आपको पहले करवा दिया है, फिर भी मैं आपको वापस से two sentences करवाती हूँ, बाकी का आपको खुद से करने हैं. Understood? Robert Louis Stevenson wrote Treasure Island. Robert का R capital और आइलैंड का आई कैपिटल. अंडरस्टूड? रचित है सीन ऑल द हैरी पॉटर मूवीज. रचित का आर कैपिटल और हैरी पॉटर का एच कैपिटल. 3, 4, 5 डू इट बाय योरसेल्फ. नंबर 5. व्हेन स्पीकिंग वी ऑफन पुट टू वर्ड टुगेदर टू मेक शॉर्टर वर्ड. When we write this short word, we put a apostrophe in place of missing letters. ये हमने second standard में किया था as a short form. देखो, अगर हमको कोई भी जब हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो उसका हम शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं. वो शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए जो लेटर हमने कट किया है, जो लेटर मिसिंग है, उसके जगह पे apostrophe s लगाना है. देखो, आई एम, तो आई एम बोलने के लिए एक ही जगह पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. दे आर, तो दे आर में एक ही जगह पर एपोस्ट्रोफी. कैन नॉट और कांट, एन की जगह पर, सॉरी ओ की जगह पर, एन और ओ की जगह पर एपोस्ट्रोफी. देखो, आई एम, आई प्लस ए एम, तो ए को कट करके आई एपोस्ट्रोफी M. Understood? Draw a line to match these words to their short form. I am, तो I am. We are, तो यहाँ पे है we are. Cannot, can't. She is, she is. They are, must not, mustn't. You are, you are. We also use apostrophe to show that something belongs to someone. किसी को कोई भी चीज़ किसी से belong करते, किसी से related है, तो उसके लिए भी हम apostrophe s लगाएंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ है वो plural है. Look at the picture. Write one thing that belong to the person in the picture. देखो, रशीद की जो है वो cap है. Rashid's cap. A bird's nest. Jennifer's chocolate. Asu's balloon. Post's braid. Understood? When the noun is plural, the apostrophe comes after the s or the plural form. Girls, books. Cats, bowl. Soldiers, letter. Books that belong to the girls. Bowl that belongs to the cats. And letters that belongs to the soldiers. Now, exercise G. Replace the underlined phrase with the right words using an apostrophe. This is a house that belongs to Megha. This is Megha's house. That is
room that belongs to boys. That is boys room. Means जो अगर plural noun होगा तो उसमें apostrophe करके s नहीं आएगा, boys पूरा लिखना है फिर बाजू में सिर्फ apostrophe का sign आ जाएगा. This is the garden that belongs to grandmother. This is grandmother's garden. 4 and 5, do it by yourself. I hope you all understood. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.